चोर की नजर अब स्कूल कॉलेज पर। पिछले दिनों शासकीय विद्यालय कन्नौजा से चुराया गया समर्शियल पंप बिछिया पुलिस ने बरामद किया, साथ ही पकड़ डाले तीन चोर। चोरों की नजर अब स्कूल कॉलेज पर। पिछले दिनों शासकीय विद्यालय कन्नौजा से चुराया गया समर्सेबल पंप बिछिया पुलिस ने बरामद किया, साथ ही पकड़ डाले तीन चोर। चोरों की नजर अब स्कूल कॉलेज पर। स्कूल से चुराया बोरिंग में लगा पंप शासकीय विद्यालय में चोरी करने वाले आरोपियों को बिछिया पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामला शासकीय विद्यालय कन्नौजा का। यहाँ पर चोरी करने वाले चोरों को बिछिया पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इन चोरों के यहाँ से समर्सेबल पंप बरामद हुआ है। चोरी करने वाले तीन आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। घटना 26 जुलाई की है। स्कूल के प्राचार्य राम लखन सोनी पिता अग्रसेन सोनी निवासी नेहरू नगर ने समान थाना रीवा बिछिया द्वारा शिकायत दर्ज कराई कि शासकीय विद्यालय कन्नौजा के ग्राउंड में लगे बोर से लूबी कंपनी की समरसेबल पंप को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है। इस सूचना पर थाना बिछिया पुलिस द्वारा धारा 379 ताजदारे हिंद पंजीबद्ध कर मुखबिर को सक्रिय किया गया, जिसमें तीन नाम निकलकर सामने आए। घटना के संदेही रवि पटेल त्रिवेणी पटेल उम्र 20 वर्ष निवासी कन्नौजा थाना बिछिया से पूछताछ के दौरान उसने अपने साथी श्रवण पटेल निवासी कन्नौजा सुधीर नामदेव निवासी कन्नौजा के साथ मिलकर घटना कबूल करने पर आरोपी रवि पटेल के कब्जे से चोरी किया पंप जब्त किया। हम आपको बता दें, जिस स्कूल से पंप चोरी हुआ था वह स्कूल भी कन्नौजा था, साथ ही तीनों आरोपी भी कन्नौजा के। साफ तौर से कहा जा सकता है कि स्कूल और चोर एक ही गांव के एक ही जगह के रहने वाले। इन्होंने जरा भी नहीं सोचा हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे गांव के बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो पानी कहाँ से पियेंगे, किस तरीके से वो पानी का अन्य चीज़ों में भी इस्तेमाल करेंगे। उनने एक पंप को देखा, उनकी नज़र पंप पर लगी, उनको लगा कि इससे कुछ पैसे मिलेंगे। उन्होंने एक टीम बनाई, तीन चोर इकट्ठा हुए और उन्होंने स्कूल पर से पंप निकाल लिया और उसको बाजार में बेचने की फिराक में थी। कुछ बिछिया पुलिस ने आरोपी के पास से एक नग लूबी कंपनी का समरसेबल पंप, जिसकी कीमत बाजार में 15,000 रुपये बताई गई है, पकड़ने में बरामद करने में सफलता पाई। साथ ही तीन आरोपियों को भी पकड़ने में सफलता पाई है, जिनके नाम पुलिस ने रवि पटेल उर्फ रैना पिता त्रिवेणी पटेल उम्र 20 वर्ष निवासी कन्नौजा, सुधीर नामदेव पिता अजय नामदेव उम्र 21 वर्ष निवासी कन्नौजा, समर पटेल पिता रामकृपाल पटेल उम्र 22 वर्ष निवासी कन्नौजा। इस बारे में हमने बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर से बात की। उनने भी साफ तौर से बताया, हमें सूचना मिली थी, हमारे पास एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि स्कूल कन्नौजा स्कूल से एक पंप चोरी कर लिया गया है। हमने अपने मुखबिरों का जाल बिछाया, हमें जानकारी मिली कि चोर उसी गांव के हैं जिस गांव में ये स्कूल है। मुखबिर की सूचना पर हमने जब एक आरोपी को उठाया तो उसने अपने दो साथियों के नाम भी लिए। हमने तीनों आरोपियों को पकड़ लिया है, पंप को बरामद कर लिया। आइए आपको सुनाते हैं इस बारे में हमें बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। पिछले माह 26 तारीख को जो है कन्नौजा स्कूल में एक चोरी की घटना की शिकायत हुई थी, उसकी कई बार संदेही की पत्रताश की गई। एक संदेही जो है रवि पटेल को पकड़ा गया था और रवि पटेल से पूछताछ की गई तो उसने अपने साथी जो है श्रवण पटेल और सुधीर नामदेव के साथ मिलकर जो है घटना करना कबूल किया है और रवि जो है पटेल से एक हाफ पावर की समर्सिबल पंप जो है बरामद हुई है, जिसे जब्त कर जो है आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और माल बरामद किया गया है। सरकारी स्कूल में चोरी हुई है। जी हाँ, कीमत कितनी है? ये करीब 15,000 कीमती है। आरोपियों को न्यायालय पेश किया गया।